गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे क्लास वी विल कंटिन्यू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस्टरडे वी सॉ दैट हाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू द सॉल्युबिलिटी और यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ टुडे वी विल सी How can we determine the molecular mass of solute from the elevation or boiling point? Molecular mass of solute. Molecular mass of solute. Okay. We know that डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इंटू एम एंड वेयर एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन and delta T elevation in boiling point. And KB is ebullioscopic कॉन्स्टेंट। ओके, एंड वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू, वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। Okay. Now you can write a small w, यहाँ पे क्या होगा n upon weight and we can write this w upon capital M upon capital W in kg। अगर इसको ग्राम में लिखना होगा तो क्या होगा, 1000 W upon m into W in gram। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा मोलर मास के बारे में। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या है, के बी इंटू एम और यहाँ से एम मोलैलिटी है, डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, के बी जो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है और मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट अपॉन सॉल्वेंट इन के जी और नंबर ऑफ मोल को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट और यहाँ पे वेट इन केजी। ओके, इक्वल टू, अब इसको ग्राम में, अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 को डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू ग्राम। ठीक है, तो ये हमें फार्मूला मिला और इस फार्मूले में नंबर वन में एम की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया सबने, आई होप नोट कर लिया होगा। ओके, ऊपर इसको हेडिंग इरेज करते रहे, तो यहां पे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द
वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन वन क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 इंटू केवी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू ग्राम। ओके, ये हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल गया, हमें क्या मिला, फाइनल इक्वेशन मिल गया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लिख देंगे और फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी बी कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम, या इसी को लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू के फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको लिखेंगे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम इन ग्राम इंटू मोलर मास अपॉन 1000 इंटू के बी। तो यहाँ से हमें दो फार्मूले मिल गए, एक फार्मूला मोलर मास निकालने के लिए और दूसरा फार्मूला जो यहाँ पे हमें मिल गया क्या निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए। अभी सारी चीजें हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेयर स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, केवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कांस्टेंट, इसी को हमने वेलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला था। और डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस फार्मूले के थ्रू जो है कि हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है या इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, ठीक है। तो हम यहाँ से मोलर मास निकालना हो तो मोलर मास का फार्मूला, वेट निकालना हो तो वेट, इसी तरह से हमें जो कुछ भी कैलकुलेट करना है वी कैन कैलकुलेट। ओके, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए और इस पर अब एक हम लोग न्यूमेरिकल देख सकते हैं।
ओके हैव यू नोटेड दिस ओके नाउ आई विल रेज एंड गिव अ क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला वी विल फॉरवर्ड इन अनदर थ्योरी ओके वी विल फॉरवर्ड इन अनदर थ्योरी क्वेश्चन इज दैट What would be the molar mass of compound? What will be the molar mass of compound? What will be molar mass of compound? Write down. If 6.21 gram of it dissolve in 24 gram of chloroform, weight of solute दिया हुआ है 6.21 ग्राम एंड डिजॉल्व इन क्लोरोफॉर्म तो कैपिटल इज इक्वल टू 24 ग्राम फॉर्म्स ए सॉल्यूशन दैट हैज बॉइलिंग पॉइंट टीएस इज इक्वल टू डेल्टा टीवी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 68.04 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम पॉइंट ऑफ प्योर सॉरी दिस वन इज द टीएस सॉल्यूशन प्योर क्लोरोफॉर्म इज गिवेन 67.1 डिग्री सेंटीग्रेड एट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी फॉर क्लोरोफॉर्म इज 3.63 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर स्टूडेंट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ लिसन केयरफुली वॉट वुड बी द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इफ 6.21 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व इन 24 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर्म ए सॉल्यूशन दैट हैज बॉइलिंग पॉइंट 68.04 सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज 61.7 डिग्री सेंटीग्रेड ओके नाउ The boiling point elevation constant Kb for the solution is given 3.63 degree centigrade per molar. अब यहाँ पे इतनी चीजें दी हुई हैं और हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास को तो पहले एक एक चीज हम यहाँ निकाल लेंगे जैसे पहले डेल्टा Tb निकालेंगे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो हमेशा बढ़ जाता है तो ये दिया हुआ 68.04 माइनस 67.1 डिग्री सेंटीग्रेड अब इसको हम यहां से करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा 4 9 में 10 में से बन गया 9 पॉइंट और यहाँ पे जीरो तो डेल्टा टीवी इक्वल टू आ गया 0.094 ये हमारा डेल्टा टीवी आ गया ठीक है सॉरी ये 61.7 है 61.7 इसको सही कर लीजिएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 61.7 तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4 और यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3 यहाँ पे 7 में से बन जाएगा 6 उसके बाद 0 इतना डिग्री सेंटीग्रेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया अब यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे
हमें निकालना है मूलर मास, तो 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल्टा टी वी, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 इंटू के बी की वैल्यू यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 3.63 और W इज इक्वल टू दिया है 6.21 ग्राम अपॉन कैपिटल W की वैल्यू दी है 24 और यहाँ से डेल्टा टी वी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 6.34। अब इसे हमें सॉल्व करने पर मोलर मास मिल जाएगा, जरा सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 148.1 ग्राम पर मोल हो जाएगी, ये वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेट करके आपको देख लेना है, चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि न्यूमेरिकल जो है फार्मूला बेस है, कोई इसमें अलग से नहीं है। ठीक है, सीधे वैल्यू पुट करनी है, आंसर पाना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, यस, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। ओके, इरेज कर देते हैं आप। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे। अगर जैसे कोई कह देता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, लिखेंगे आंसर इसका, आंसर द टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस
इन इट्स सॉलिड स्टेट बिकम टू इक्वल टू इट्स लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर को के बराबर हो जाता है, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके। तो ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एक सब्सटेंस का उसकी सॉलिड स्टेट का जो है बिकम इक्वल टू इट्स लिक्विड स्टेट, उसी सब्सटेंस के लिक्विड और सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है। तो ऐसे सब टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उस सब्सटेंस का, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय जीरो डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। क्या मतलब होता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छिपा हुआ है, इस स्टेटमेंट के अंदर ही, अगर कोई पकड़े तो पकड़ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट तो सबको समझ आ गया कि वो टेम्परेचर जिस पे किसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है उसी सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इट मींस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन इट्स सॉलिड स्टेट यहाँ पे हम आइस लिख सकते हैं बिकम इक्वल टू इक्वल टू
लिक्विड स्टेट स्टेट बिकम इक्वल टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, ऑफ वाटर। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, उसका मतलब ये निकला कि इसका मतलब ये होता है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन इट्स सॉलिड स्टेट यानी आइस बिकम इक्वल टू द लिक्विड स्टेट, यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसको हम जो है कि देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं, ठीक है, तो सेम कंडीशन है यहाँ पे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, हमारे जो है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब बहुत अच्छे से जान गए, अब आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले तो यही लिख देंगे कि वेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेन अ नॉन वोलेटाइल टाइम सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम लेस देन प्योर स्टेट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो लेस हो जाता है देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। प्योर स्टेट सॉल्वेंट के क्या होता है, क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन ऑर्डर टू बराबर लेस देन है तो उसको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए जितना हम टेम्परेचर सप्रेस करेंगे उसी को हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
ओके आई बात समझ में। ठीक है अब इसको जो लेस देन है उसको इक्वल करने के लिए एंड इन ऑर्डर टू ऑर्डर टू मेक इक्वल वेपर प्रेशर इन बोथ स्टेट इन प्योर स्टेट हाउ मच टेम्परेचर वी विल लोअर हाउ मच टेम्परेचर विल बी लोअर्ड टू सेपरेट लिक्विड एंड सॉलिड इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इज नोन एज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है तो ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है तो जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट और लिक्विड स्टेट में क्या होता है डिसबैलेंस हो जाता है। तो वेपर प्रेशर बिकम लेस देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट से क्या होता है कि लेस हो जाता है। तो अगर इक्वल बनाना है तो वेपर प्रेशर में जितना हम डिक्रीज करेंगे है ना हाउ मच टेम्परेचर विल बी लोअर्ड टू सेपरेट लिक्विड एंड सॉलिड इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कैलकुलेशन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो हैव अ नाइस डे।